हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग ये है कि क्या आपका पुराना प्यार, पुराना लव, क्या आपको वैलेंटाइन डे के दिन कॉल करेगा? तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं और आपको इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। देखते हैं आपको आपका आंसर मिलता है कि नहीं, और वो सब चीज़ें आपके साथ होती हैं या नहीं। और जो ये आज की रीडिंग होगी वो यस और नो में ही होगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में होगी, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। यस और नो में हम आंसर खोजेंगे, आपके सवालों के जवाब देखेंगे। बस ये है कि हाँ, ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे। मैंने सोचा आज ऑप्शन ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि यस और नो में हम आंसर खोज रहे हैं। तो और वो आपको कॉल करेंगे या नहीं करेंगे, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको कॉल करें, बट ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन हो चुकी है आपकी लाइफ में कि आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि वो कॉल नहीं करेंगे। तो देखिए आपका लगना कितना सही है, कितना नहीं सही है। अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने रख रही हूँ, आपको सेलेक्ट करने में बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैंने 5 कार्ड्स के सेट बना लिए हैं, सबको एक 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 रिंग है ये छल्ले की जैसी, आप देख सकते हैं। आप अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। और एक ग्रीन कलर की यहाँ स्टोन की रिंग है, आपको अच्छी लगे तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और ये है रेड स्टोन की, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। और एक यहाँ पे हम दे देते हैं, एक ब्लू कलर का ले लेते हैं। यहाँ पे एक है ब्लू कलर की रिंग, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। और आप दे देते हैं हम एक खूबसूरत सी ईयर रिंग, अगर आपको ये अच्छी लग रही हो तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं, जो मैंने इसे यहाँ रख दिया है। अभी आपको जो भी अच्छा लग रहा हो, आंखें बंद करके अपने गॉड को याद करके ज़रूर उसको चूज़ करिए, फिर देखते हैं कि वो आपको कॉल करेंगे या नहीं करेंगे, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये है पायल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये है 5, ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टार्ट करेंगे हम पायल नंबर 1। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने भी ये पायल नंबर 1 चूज़ किया था, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि वो आपको कॉल करेंगे। ये हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और हो सकता है कि उनकी मैरिज भी होने वाली है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो जिन लोगों ने भी पायल नंबर 1 में को चूज़ किया था, उनका आंसर नो है, वो आपको कॉल नहीं करेंगे। हो सकता है वो लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अभी हम देखेंगे पायल नंबर 2 में हमें क्या पता चलता है, जिन लोगों ने भी ये ग्रीन वाली ये सोचो सॉरी रिंग चूज़ की है, उनका आंसर देखें हमें क्या पता चलता है, वो आपको कॉल करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और आप उन्हें भी अभी बहुत ज़्यादा आप उनका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और ऐसा लग नहीं रहा है कि वो आपके लाइफ में अभी आएंगे। वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, वो काफ़ी बिजी हैं अपनी लाइफ में, और काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। ये हो सकता है उनकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में रहें। ये भी हो सकता है कि अभी आप में लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ आप दोनों के बीच में कि आपने उनको छोड़ दिया या फिर उन्होंने आपको छोड़ दिया, आप में ऐसी कोई भी कमिटमेंट नहीं हुई है, आपने ऐसा कुछ भी उनसे नहीं कहा है, अचानक से आप लोगों में बातें बंद हो गई हैं, ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। आप उनका वेट कर रहे हैं, आपको इंतज़ार है उनके कॉल का, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हो सकता है 50% चांसेस हैं कि वो आपको कॉल करें, 50-50% है, क्योंकि वो व्यक्ति भी आपको लेके सीरियस है, वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपके बारे में सोचते हैं। उनके लाइफ में अभी कोई और नहीं है, आपके सिवा उनके लाइफ में कोई नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है 50% चांसेस हैं कि वो आपको कॉल करेंगे, आपको याद करेंगे, मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, जहाँ भी अगर आप जिस जगह से भी उनसे आप कनेक्ट हैं वहाँ से वो आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर जिसने भी चूज़ किया था पायल नंबर 2, स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 3। जिन लोगों ने भी ये वाला पायल खूबसूरत सी ये रिंग है सॉरी रिंग है रेड कलर की स्टोन की, देखें तो जिन लोगों ने भी पायल नंबर 3 चूज़ किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको
कांटेक्ट करेंगे, वो आपको कॉल करेंगे। अभी जिन जिन लोगों की कॉल अगर आएगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे ही आए हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा दिल से एक कार्ड को चूज़ किया था अपने गॉड को याद करके, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल है कि ऐसा होगा आपके साथ। अभी वैलेंटाइन डे में क्या होता है, आपके पास कॉल आती है या नहीं, वो आपको कांटेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको मैसेज कर सकते हैं, मैसेज फेसबुक पे कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जहाँ भी आप जहाँ जैसे भी आप कनेक्ट हैं उनसे, वो वहाँ से आपको कांटेक्ट करेंगे वैलेंटाइन डे के दिन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं पायल नंबर 4 में हमें क्या पता चलता है। जिन लोगों ने भी ये ब्लू कलर की रिंग चूज़ की थी, ये उनकी रीडिंग है। देखिए, वो आपको ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो आपको अभी भी बहुत मिस करते हैं, और आपको भी, आप भी उनका बहुत मिस करते हैं। आप भी आज भी आपको उनका वेट है। वो आपको कॉल तो नहीं करेंगे, मुझे ऐसा, अगर यस और नो में अगर इसका आंसर खोजें तो वो मुझे नहीं लगता है कि आपको वैलेंटाइन डे के दिन कॉल करें, कॉन्टेक्ट करें, आपको मैसेज करें। तो इसका आंसर तो नो है, लेकिन वो आपको याद ज़रूर करते हैं, ये मैं आपको बता सकती हूँ। आपको वो हो सकता है कि उस दिन आपको ये बहुत मिस करें। ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको मिस ज़रूर करेंगे उस दिन, लेकिन शायद आपको कॉल या कांटेक्ट ना करें कहीं से भी। आइए देखते हैं पायल नंबर 5 में, जिन लोगों ने भी इयररिंग चूज़ की थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, हो सकता है आपको आपको कॉल कॉल तो नहीं करेंगे, आपको कहीं ना कहीं से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आपको वो आपके साथ वो अभी भी फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, तो वो आपको मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि वो आपको मिस तो ये नहीं कहेंगे कि आप लोग के बीच में अब लव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में वो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है आप लोग के बीच में, तो वो आपको कांटेक्ट तो करेंगे, लेकिन वो आपको ऐसा नहीं है, वो आपके साथ बिताया काफ़ी वक्त है उनके साथ, आपकी बहुत एक लंबी फ्रेंडशिप रही है उनसे, तो वो दोस्ती आपकी है, तो ये हो सकता है कि वो आपको मैसेज ज़रूर करें वैलेंटाइन डे के दिन। कॉल नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे, तो 50-50 चांसेस हैं आपके भी हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये है पायल नंबर 5, जिन लोगों ने भी यारी इयरिंग चूज़ की थी, उनकी रीडिंग थी। तो ये आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यस और नो में थी तो ज़्यादा लंबी नहीं है, और आपको वीडियो स्किप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।